पड़ाव से ग्राम हाथीगढ़ा जा रहा था, तब कोटेश्वर मंदिर के पास रात्रि करीब 8 बजे हाथीगढ़ा गांव के रहने वाले देवी सिंह, छोटू सिंह और उसके 2 अन्य साथी द्वारा मुझे रोक कर मेरे साथ गाड़ी गलौज में मारपीट की है तथा मेरे बैग में से रखे 15,000 निकाल लिए हैं। हाथीखेड़ा के परिवादी ने रास्ते में रोककर गाली गलौच और मारपीट के साथ 15,000 रुपये लूटने का लगाया आरोप। पुलिस चौकी आनासागर में दर्ज हुआ आरोपियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा। पुलिस थाना गंज पुलिस चौकी आनासागर अंतर्गत 25 अक्टूबर को परिवादी हाथीखेड़ा निवासी देवी सिंह रावत द्वारा एक लिखित रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई, जिसमें बताया कि वह पड़ाव से हाथीखेड़ा अपने घर जा रहा था, तभी कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास रात लगभग 8 बजे हाथीखेड़ा गांव के ही रहने वाले देवी सिंह, छोटू सिंह व उसके 2 अन्य साथियों ने उसे रास्ते में रोककर उससे गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपियों ने उसके बैग में रखे 15,000 रुपये निकाल लिए और फरार हो गए। आनासागर पुलिस चौकी इंचार्ज बलबीर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी देवी सिंह रावत की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 344/21 IPC की धारा 323, 341 और 379 में दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। दिनांक 25/10/2021 को परिवादी श्री देवी सिंह पुत्र नानू सिंह जाति रावत निवासी हाथीखेड़ा द्वारा थाना पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी कि मैं पड़ाव से ग्राम हाथीखेड़ा जा रहा था, तब कोटेश्वर मंदिर के पास रात्रि करीब 8 बजे हाथीगढ़ा गांव के रहने वाले देवी सिंह, छोटू सिंह व उसके 2 अन्य साथी द्वारा मुझे रोककर मेरे साथ गाली गलौच में मारपीट की है तथा मेरे बैग में से रखे 15,000 रुपये निकाल लिए हैं। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 344/21 धारा 323, 341, 379 IPC में दर्ज कर अनुसंधान मन से उन्हीं द्वारा किया जा रहा है।